हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है अंजीर के बारे में। अंजीर एक फल होता है जो कि एक पोटली के आकार का होता है और ये बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो अगर आप इसके फायदे जानेंगे तो आप इसका सेवन जरूर करेंगे और हर किसी को अंजीर का सेवन करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। तो अंजीर जो होता है, एक तो फाइबर रिच होता है तो आपके डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है और पोषक तत्वों की वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो अंजीर का सेवन आपको कैसे करना चाहिए और इससे क्या क्या फायदे आपको मिल सकते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। फ्रेंड्स, फिर यानी अंजीर जो होता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होती है, कैलोरी, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर रिच होने के कारण से यह आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और ड्राई अंजीर जो होता है ज़्यादा पावरफुल होता है। तो फ्रेंड्स, अंजीर जो होता है एक फल होता है जो कि एक पेड़ पर लगता है और इसको हम फिक के नाम से जानते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे रेशे होते हैं और कुछ दाने होते हैं, तो इसका जो स्वाद होता है मीठा होता है और ये पकने पर लाल हो जाता है, वैसे हरे रंग का होता है। तो इसके सेवन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अंजीर जो है अगर आपको सेवन करना है तो कितने अंजीर आप ले सकते हैं। एक दिन में आपको एक से दो अंजीर जो होते हैं सफिशियंट होते हैं। अब इसको सेवन करने की बात करें तो कितनी तरीके से कर सकते हैं। कई लोग इसको ड्राई लेते हैं, कई बार ये फ्रूट्स के रूप में इसका सेवन करते हैं, या फिर इसको पानी में भिगो करके भी यूज किया जाता है, या फिर दूध के साथ में भी लिया जा सकता है। तो अंजीर जो है आपकी जरूरत के हिसाब से आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से ले सकते हैं। अगर हम अंजीर के पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसलिए इसको लेना हर किसी के लिए जरूरी होता है। एक सुपर फूड आप इसे कह सकते हैं। अगर हम इसकी महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं में अक्सर ही एनीमिया की शिकायत होती है या प्रेगनेंसी टाइम में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो ऐसी महिलाओं को अंजीर का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा पीरियड में होने वाली दिक्कतों से भी ये रिलीफ देता है। इसके फायदे की बात करें तो ये कौन कौन सी बीमारी में ये फायदा करता है इसके बारे में जानते हैं। तो अंजीर सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सभी के लिए है, वो होता है हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करना, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो आप कम बीमार पड़ते हैं, इसलिए अंजीर का सेवन करने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। दूसरा होता है बीपी कंट्रोल करना। जिन लोगों का बीपी हाई रहता है उन लोगों को भी अंजीर का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह बीपी को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें ट्राइग्लिसराइड पाए जाते हैं जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और इसकी वजह से आपका बीपी जो है कंट्रोल में रहता है। साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं तो बीपी को हेल्प करते हैं कंट्रोल में रहने के लिए, लेवल में रहने के लिए। इसके अलावा हड्डियों को ये मजबूत बनाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, इसके अलावा मैंगनीज, पोटेशियम जो होता है हड्डी की मजबूती के लिए ज़रूरी होता है। तो ये जिन लोगों को भी ऑस्टियोपोरोसिस है या जिनको मेनोपॉज चल रहा है या फिर जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हैं जो कि 30 के बाद होने लगती हैं, तो फिर ऐसे लोगों को अंजीर का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा ये फर्टिलिटी को बूस्ट करता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फाइबर होते हैं जो कि हॉर्मोन्स को बैलेंस करने का काम करते हैं। तो जब आपके हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं तो आपकी जो साइकिल है वो सही से चलती है और ये आपकी कमजोरी को भी दूर करता है। इसमें पोषक तत्व होते हैं मैंगनीज, जिंक, आयरन जो कि जरूरी होता है अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, तो ये सभी पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। इसके बाद आता है वेट लॉस के लिए अंजीर बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये फाइबर रिच होता है, जो कि फाइबर रिच होने के कारण से ये आपके वेट लॉस में हेल्प करता है, आपका पेट भरा हुआ रहता है और ये कैलोरीज को भी कम करता है, तो जिसके कारण से आपका वेट लॉस जो है आसानी से हो जाता है। इसके अलावा अंजीर के फायदे की बात करें तो
ये ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, यानी जिन लोगों को भी डायबिटीज है उन लोगों के लिए भी अंजीर जो है बहुत अच्छा है। हालांकि इसका स्वाद मीठा होता है, लेकिन ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो डायबिटीज लोगों को भी अंजीर का सेवन करना चाहिए। इसमें पोटेशियम होता है और जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल के बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। और जो भी आप इसको चाहें तो स्मूदी के रूप में ले सकते हैं या सलाद के रूप में ले सकते हैं। इसके अलावा जो अंजीर का सेवन है आपको कब करना चाहिए, क्योंकि अंजीर जो है इसको आप चाहे तो रात में भिगो करके रख दें और सुबह इसका जो सेवन है आप खाली पेट कर सकते हैं। सुबह के टाइम इसको लेना बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अंजीर के साथ में काजू, बादाम, किशमिश और जो ड्राई फ्रूट है, कम से कम 5 ड्राई फ्रूट्स जो है आप ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा कॉम्बिनेशन बन जाता है जिसमें कि सभी चीजें जो है आपको मिल जाती हैं। तो आप नाश्ते के रूप में या सुबह जो है खाली पेट सबसे पहले इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं किन लोगों को अंजीर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। तो जिन लोगों को भी स्टोन बनने की समस्या है, पथरी की समस्या है, उन लोगों को अंजीर का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा माइग्रेन की जिन लोगों को समस्या है उनको भी अंजीर का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उसकी समस्या को बढ़ा सकता है। जो लोग कुछ दवाएं ले रहे हैं जैसे एंटी प्लेटलेट्स की जो दवाएं ले रहे हैं उसके साथ में अंजीर का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके जो दवाएं ब्लड को पतला कर रही हैं वो इसका सेवन से वो और ज़्यादा हो सकता है और आपका फ्लो जो है बढ़ सकता है, जिसके कारण से आपको नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ होती है कि जो डायबिटीज़ जिन लोगों की बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होती है उन लोगों को अंजीर का सेवन से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा आपका शुगर का लेवल का जो है वो अगर आपका कम है तो और कम अंजीर कर देता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप डॉक्टरी सलाह से लें तो बेहतर है। इसके अलावा कुछ लोगों को एलर्जी होती है तो ऐसे लोगों को भी अंजीर का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके पोलन से आपको एलर्जी हो सकती है और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो ये सभी चीज़ें अंजीर के बारे में थी। अंजीर के फायदे और नुकसान के बारे में आपको पता चल गया, अंजीर कैसे सेवन करना है, कितना करना है, तो ये सारी जानकारी अंजीर के बारे में थी। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है और आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।